सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। फतेहाबाद में विजिलेंस इंस्पेक्टर को ही रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सीआईडी विंग ने रेड मारकर आरोपी विजिलेंस इंस्पेक्टर भूपेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मिठाई के डब्बे में 7 लाख रुपए की रिश्वत मंगवाई थी। सीआईडी विंग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और एक जांच के मामले में आरोपी विजिलेंस इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी थी। फिलहाल सीआईडी विंग के डीएसपी वीरेंद्र सिंह की शिकायत पर हिसार सिविल लाइंस थाने में आरोपी समेत 7 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो 7 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुआ रिश्वतखोर विजिलेंस इंस्पेक्टर। सीआईडी विंग ने रंगे हाथों रिश्वत के रुपयों के साथ इसको गिरफ्तार किया। मिठाई के डिब्बे में मंगवाई गई थी रिश्वत, तो 7 लाख रुपए की रिश्वत के साथ ये इंस्पेक्टर, विजिलेंस का इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सीआईडी विंग ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। तो फतेहाबाद से ये अहम खबर सामने आई है। 7 लाख रुपए की रिश्वत के साथ विजिलेंस इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी विंग ने इसको गिरफ्तार किया। संवाददाता जितेंद्र मोंगा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, विजिलेंस इंस्पेक्टर को रंगे हाथों 7 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। क्या है पूरा मामला, किस तरह से इस विजिलेंस इंस्पेक्टर पर यह गाज गिरी है, इसकी गिरफ्तारी हुई है?